देखो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं भैया, इनका हाथ नहीं है, ये कह रहे हैं कि मैं तो कभी भी अपना गुजारा कर लूँ कैसे भी भूखा रह के भी, लेकिन बच्चों की चिंता रहती है, फुटपाथ पे सोते हैं। बैठो बैठो। नमस्ते भैया, क्या नाम आपका? नीरज भाई, मैंने आपको देखा भी रेड लाइट पे, आप पैसे वैसे मांग रहे थे, क्यों ऐसा क्यों? काम धंधा नहीं करते आप? काम धंधा नहीं है अच्छा। तो गुब्बारा गुब्बारे कहाँ से लेकर आते हो आप ये? अच्छा, तो अभी तो फिर आप वो गुब्बारे वाला काम तो अच्छा भी है, फिर पैसे क्यों मांग रहे हो आप? शाम के टाइम में गुब्बारे बेच लेते हैं, दिन में तो मांग रहे हैं। अच्छा, ऐसा करते हो कि दिन में मांग लेते हो शाम को? तो घर कहाँ पे है आपका? राजस्थान में। अच्छा, तो आपके ये हाथ हाथ कैसे मशीन में कट गया? कैसे? कड़ा पहन रखा था हाथ में, उसमें उलझ गया। अच्छा, कड़ा मशीन में अटक गया। हाँ, तो जहाँ पे काम करते थे वहीं पे? हाँ। मालिक ने इलाज नहीं करवाया? मालिक ने इलाज कराया। फिर इलाज कराया, वो दिया बोले, उस समय मैंने एक्सरे चल रही थी, तो बोले एक्सरे दिला दूंगा। हाँ, मैंने राजीनामा कर लिया। हाथ कैसे कितना कट गया दिखाना एक बार। पैर में भी लगी हुई है आपके? हाँ, पैर टूट रखा था, फिर मैं छोड़ रखा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आपने मेरे आंसर का सही जवाब दिया तो आपका पैसा डबल। इस सीजन का सबसे बड़ा क्वेश्चन, आईपीएल 2020 कौन जीतेगा? आप सबका इतना प्यार तो मिलता है वीडियो पे, तो बोनस तो बनता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके साइन अप करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं RA100, तो आपको मिलेगा 130% का बोनस। सिर्फ कैश ही डबल नहीं होगा, आईफोन और बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं आप। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, चेकआउट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्ले हार्ड विन बिग, गुड लक फ्रेंड्स। वाला मार गया कब? बच्चे कितने आपके? पढ़ाई करते हैं बच्चे? तो कहाँ पढ़ाई करेंगे, नहीं वैसे इससे पहले लॉकडाउन से पहले पढ़ाई करते थे? तो बीवी बीवी साथ में रहती है आपके? हाँ जी, बीवी मेरी ऊपर गई। चार साल पहले तो बच्चों को आप ही पाल रहे हो? कौन पाले, भगवान पाले। ये तो मांगा रहा हूँ। आप मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा परेशान हो गया अंदर से। परेशान क्या ना, सारे सो रहे, मैं तो मांग रहा हूँ लड़की लोग मांग रहा हूँ। लड़की के लिए मांगते हो? किसके लिए मांगू? भैया दुख तो सबके साथ है, सबके साथ है भैया, आप इकलौते नहीं हो। दुनिया में कितने करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जिनके पास, आपके पास तो कपड़े भी है, कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है। कपड़े भी मांगे पहले, कैसे जाते हैं कपड़े भी खरीदने के लिए, शादी के दिन खरीदे थे, इसके बाद खरीदते कौन कपड़े मांगे कपड़े में दूसरे लोग तो सब जीते चले जाते। दुख तो बहुत है भैया, अब क्या बताएं, लेकिन आप थोड़ा सा ना धैर्य रखो, थोड़ा जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है ना आपको, आपसे बात करके थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो आप, तो भगवान पे भरोसा रखो भैया, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। तो कितना टाइम पहले कटा था ये हाथ? तीन साल पहले। कब से जंग में इलाज हुआ है? चार साल हो गए। ये कपड़े भी किसी ने आपको गिफ्ट में दिए हैं? नहीं, हम से जाते कल पिंट की शर्ट थे, ये मेरे साड़ू ने पहन लिया। तो मेरे पास तो सोते हैं पटरी पे, अभी आप इस पटरी पे सोते हो आप? सामने में मेरी बेटी, मेरी साली ने खाना बना के देती है,
बीवी की बड़ी बहन। अच्छा बीवी की बड़ी बहन खाना बना के देती है। लड़की बनाती है, कबाड़ा चुकती है, मान तो मैं हूँ। अच्छा वो कबाड़ा चुकती है, मान तो मैं हूँ। पूरे दिन में कितना कितना जोड़ लेते हो? पूरे दिन में हाँ 250-300 रुपये जोड़ लेते हो। खाना खा लिया आपने? खाना खिलाऊँ आपको? आओ पहले कुछ खाते आओ। चप्पल चप्पल ले लो अच्छी सी। इधर पहनो। एक और साइज, एक और निकाल दो। कैसी लगी चप्पल आपको? अच्छी। ये चप्पल पहले जो पहनी हुई थी ये किसने दी थी आपको? ये ऐसे गाड़ी वाले। गाड़ी वाले नहीं? अच्छा बिल्कुल भी परेशान मत हो, सबके साथ दुख है भाई साहब, ठीक है ना। सुख कम है इस दुनिया में, दुख ज़्यादा है। मानते हो ये बात? नहीं मानते? क्यों भैया? भैया बहुत परेशान लगे मेरे को वो। सुना सर भैया की बात आपने? हमेशा लाइफ में मुस्कुराते हो, अब अपने बच्चे भी तो देखने हैं अपने आगे। बच्चों की टेंशन रहती है। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। देखो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं भैया, इनका हाथ नहीं है। ये कह रहे हैं कि मैं तो कभी भी अपना गुजारा कर लूँ कैसे भी, भूखा रह के भी, लेकिन बच्चों की चिंता रहती है। फुटपाथ पे सोते हैं। उतारो वो चप्पल, उतारो आप वो वाली उतारो। दोनों पहनो, ये भी पहनो, ये पहनो। हाँ वो तो कोई नहीं, पहले इसको तो पहनो। वाह क्या शानदार चप्पल लग रही है, हीरो लग रहे हो एकदम, पूरे गोविंदा। कंफर्टेबल लग रहा है ना? सबसे थैंक यू तो बोल दो, धन्यवाद होता सर को। नहीं नहीं क्या परिवार में सबके बाद बिल्कुल आप लोगों के द्वारा साथ जाती है ना, लोग कभी कभी बहुत काम कर जाती है आपकी। ये तो बात अच्छी बोली आपने भैया। कभी-कभी ये थैली में, थैली रुको, थैली देना भैया। हाथ में क्यों लेके जाओगे? थैली में डालता हूँ ना आपको। वो लोगे भैया? टोपी पहनोगे? टोपी टोपी कहाँ मिलेगी भैया आसपास? दिखाना, इसमें डाल लो। जब भी स्कूल खुलेंगे ना बच्चों को पढ़ाना है आपने। ट्यूशन जा रही है? क्या फीस है ट्यूशन की? 300 रुपये। तो अभी जैसे शाम हो जाएगी तो गुब्बारे बेचोगे आप? नहीं आप क्या गुब्बारे बच्चा बेचते हैं? आप बेचते हो? अच्छा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, अपने बच्चों से मतलब कुछ लोग क्या है, ज़्यादातर लोग अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है आपके अंदर। आओ टोपी दिलवाता हूँ आपको मैं, आ जाओ। आज पूरा गोविंदा बना के भेजूँगा आपको मैं। आ जाओ भैया इधर आ जाओ। मैंने भैया को बताना बनाना गोविंदा। क्यों भैया दिखाओ, इधर देखो सामने देखो एक बार। वाह कैसे लग रहे हैं ऐसे करके दिखाओ। अदरक वाली चाय बना के दो, जबरदस्त। ये तारीफ करते हुए जाएं आपकी। अच्छा इनसे लेके जाते हो? अब एक काम करो भैया, कितने की चाय है? मैं आपको 20 दिन के पैसे दे के जा रहा हूँ। 20 दिन तक आपने हमारे गोविंदा, ये हमारे गोविंदा जी हैं, ठीक है ना। स्टाइल देख रहे हो हमारे भैया का है? नहीं आज से गोविंदा होगा अब, ठीक है। हमारे गोविंदा जी को आपने 20 दिन तक चाय पिलानी है। मैं तो जानता हूं सर, आएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, रात का आए सुबह आए, वाह हम एक टाइम पिला देंगे। बहुत बढ़िया, 20 दिन के बाद दोबारा आऊंगा, दोबारा फिक्स कर दूंगा। मैं तो 4 साल से देखता हूं, 5 साल से। ये बात नहीं है कि ये मेरे पास नहीं आएंगे। एक बात बोलूं भाई साहब, दुनिया परेशान है इस टाइम। हम नहीं समझेंगे ना तो कोई और नहीं समझेगा। सही बात है सर। और कुछ मट्ठी दो खाना खा गया?
खाने तो खाओ सही, इनका कहना है बना बुरी कर रहे हैं। ले लो आराम से खाओ। वो प्लेट रख दो तो ठीक है भैया, ध्यान रखना हमारे गोविंदा जी का। ठीक है भाई साहब, खुश रहना हमेशा। और ये मेरी तरफ से ठीक है, ओके बाय बाय। हमेशा हंसते रहना, गुस्सा नहीं करना। स्टार्टिंग में मैंने बात की गुस्सा से हो गए थे पहचान लो। नहीं गुस्सा ना, देखो अंदर से ना बंदा परेशान होता है और वो गुस्सा भरा रहता है उसके। क्यों, थोड़ा सा दुख दिया हाथ का, फिर अब ये बता रहे एक्सीडेंट हो गया, इनका पैर मुड़ गया पूरा, तो फिर चिटड़ा सा हो जाता है बंदा। इनका गुस्सा करना जाहिर सी, इनका गुस्सा करना जाहिर सी बात है। ठीक है गोविंदा जी, आज से आपका नाम गोविंदा जी है, ठीक है।